मैं कस्टमर के सामने आपको फीडबैक लेके दिखाना चाहता हूँ। सर ने पहली बार अभी साउंड सुना, सर आपको साउंड कैसा लगा? साउंड तो बहुत बेटर लगा मुझे, और मैं तो कहना चाहूँगा कि ऑडिशन का ऑडियो सेटअप जो मुझे इन्होंने सजेस्ट किया था उससे मैं बहुत हैप्पी हूँ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विधानिया फ्रॉम शिव ऑटोमोबाइल्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज हमारे पास एक ग्रैंड विटारा भी है, फेवरेट कार, जिसमें हम लोगों ने अपना यूट्यूब जर्नी बहुत अच्छे से चालू किया था एंड बहुत हम लोगों को उससे सपोर्ट भी मिला। सो वी हैव ग्रैंड विटारा टुडे अगेन। ये गाड़ी हमारे पास झारखंड से आई है, धनबाद से, फॉर द ऑडियो अपग्रेड एंड थोड़ा सा प्रीमियम उनको लाइट सेटअप कराना था। इंटीरियर किट था, मारुति जेन्युइन पार्ट्स था। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, गाड़ी बहुत दूर से आई हमारे पास सारा काम कराने के लिए, बहुत बेसिक चीज़ करें, बट जो भी करें वी आर डूइंग एवरीथिंग विद क्वालिटी वर्क। मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस गाड़ी में हेडलाइट में एकदम बेसिक येलो बल्ब लग के आता है, और कस्टमर का ड्राइव हाईवे में बहुत ज़्यादा है, सो हम वो बल्ब को रिप्लेस करके इसमें आउजूम का 150 वॉट्स का एक LED इंस्टॉल करने वाले हैं, विच इज़ 150 वॉट्स, 75 वॉट्स पर पीस। और इस प्रोडक्ट की MRP आती है 12,990। ये प्रोडक्ट आपको 2 ईयर्स रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ मिलता है। 150 वॉट का जेन्युइन 150 वॉट का LED है, तो इसमें हम ये LED इंस्टॉल करने वाले हैं। सिस्टम में हमारा फेवरेट सिस्टम ब्लापॉन्ग सेंटर रोजर 985 9 इंचेस विथ वायरलेस एप्पल का प्लेन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो सर्टिफाइड, इसमें ये इंस्टॉल करने वाले हैं। आपको इसका फीचर्स दोबारा बताना चाहूँगा। दिस इज एंड्रॉइड वर्जन 11, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 4GB रैम, 32GB मेमोरी एंड बेटर डिस्प्ले देन एनी अदर एंड्रॉइड प्लेयर, विच इज़ 1280x720 pixels। इसमें ये सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। आपको इसमें वापस आज एप्पल का प्ले वायरलेस से कनेक्ट करके दिखाऊंगा किस तरीके से कनेक्ट होता है। फॉर द स्पीकर्स, डैम्पिंग एंड एम्पलीफायर का प्रोग्राम सर कस्टमर्स का बाद में है, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। सो इसमें हम ऑडिसन का AK6.5C2 का 300 वॉट्स का एक कॉम्पोनेंट स्पीकर इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसकी RMS वैल्यू आती है 100 वॉट्स की। तो इसमें 100 वॉट्स का हम लोग ये स्पीकर इंस्टॉल करने वाले हैं, विच कम्स विद डुअल क्रॉसओवर, 1 फॉर द स्पीकर एंड 1 फॉर द ट्विटर्स। इसमें से आप ट्विटर का डेसिबल्स अगर आपको शार्पनेस कम से तो आप सेट कर सकते हैं। इसमें हम ये सामने कॉम्पोनेंट स्पीकर इंस्टॉल कर रहे हैं। रियर डोर्स में ऑडिसन का ही प्राइमा का APX 6.5 का कोएक्सियल स्पीकर इंस्टॉल कर रहे हैं, विच इज 210 वॉट्स पीक पावर एंड 70 वॉट्स RMS। तो वेरी लाउड कॉम्पोनेंट कोएक्सियल स्पीकर इस बजट में बहुत अच्छा मिड बेस इसमें से मिलता है। मैं आपको MRP बताना चाहूँगा, इसकी MRP 35,000 आती है। इसके साथ कैमरा फ्री है, सो हम लोग इसमें 3D ब्लापॉन्ग का है, 3.1 ASD कैमरा देंगे, ASD कैमरा भी डायनेमिक गाइडलाइंस। तो इस कैमरा की MRP 3190 आती है, जो कि इसके साथ फ्री में आती है। फ्रंट डोर से कंपोनेंट की MRP 20,000 रुपीज़ और रियर डोर से कोएक्सियल की MRP 10,000 रुपीज़। तो सारा सेटअप इसमें हम कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये बेस मॉडल गाड़ी है, सिग्मा मॉडल है। सो इसमें जो जो मॉडिफिकेशन होके आए थे, सो इसमें हम सारा का सारा इसमें इंटीरियर पर इंस्टॉल करेंगे। सब कुछ खोल के हम लोग इसमें टॉप मॉडल का डैशबोर्ड इंस्टॉल करेंगे। ये हम लोग जैसे इसमें ये मैट ब्लैक आता है, इसमें हमने चेंज कर दिया, सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, इसलिए इसमें हम ग्लॉस ब्लैक हम लोगों ने AC1 इंस्टॉल किया है। इसमें हम गियर नॉब चेंज करेंगे, गियर नॉब के कवर पार्ट, बाहर का पार्ट चेंज करेंगे, हम लोग इसमें सब कुछ करने वाले हैं। इसमें हम टॉप मॉडल का स्टीयरिंग इंस्टॉल करेंगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये स्पीकर वो है जो पेपर कोन स्पीकर जो इसमें लग के आता है, आप देख सकते हैं पेपर कोन स्पीकर, विच इज 25 वॉट्स। इसका मैग्नेट साइज़ आप देखिए कितना मिनिमल साइज़ का मैग्नेट है, बहुत बेसिक एक कोएक्सियल स्पीकर इसमें लग के आता है, जिसको रिप्लेस करके इसमें हम वाटर गार्ड के साथ और इसमें कंपोनेंट स्पीकर इंस्टॉल कर रहे हैं। और ये रहा क्रॉसओवर जो आपको ट्विटर्स के लिए रहता है। रियर डोर्स में हम कोएक्सियल इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि शायद इंस्टॉल हो चुका है, आपको दिखाना चाहूँगा। दैट इज इंस्टॉल्ड, आप देख सकते हैं विद प्रॉपर वाटर गार्ड, जिसमें हमने कोएक्सियल इंस्टॉल कर लिया है। सो गाइस, वीडियो के एंड में मिलते हैं, उसमें आपको इसमें डोर पैड्स भी कर रहे हैं। तो वीडियो के एंड में मिलते हैं, मैं आपको इसमें इंटीरियर का सारा वर्क दिखाऊंगा, LED अपग्रेड्स दिखाऊंगा, स्टीयरिंग दिखाऊंगा। तो इसमें बेस मॉडल का स्टीयरिंग आता है, जिसमें आपका ये स्विचेस नहीं रहते, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। इसमें खाली ये वाला पार्ट रहता है, स्क्रूज कंट्रोल वाला पार्ट नहीं रहता, जो वो वर्क नहीं करेगा, बट स्टिल कस्टमर को ये कॉल रिसीव एंड कॉल कट के लिए बटन चाहिए। इस वो टॉप मॉडल का स्टीयरिंग भी इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। सो दिस द एंटायर थिंग इज वी आर डूइंग, स्टे ट्यून्ड। अब मैं आपको लास्ट सेगमेंट में दिखाऊंगा इसमें हम लोगों ने कैसे अपग्रेडेशन किया है, कैसा ऑडियो अप टूडा है, और मैं आपको इसमें कस्टमर का एप्पल का प्ले वायरलेस से कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा। स्टे ट्यून्ड गाइस। तो गाइस, इसमें हमने सारा इंटीरियर एक्सटीरियर में सारा काम कर लिया है। इसमें हमने मेरा बॉडी सेट मोल्डिंग जिसमें हमने इंस्टॉल किया है, इसमें लोअर गार्निश स्टेनलेस स्टील का विद 6 पीसेस हमने इसमें इंस्टॉल किया है। सिस्टम स्पीकर अपग्रेड सब कुछ हो चुका है। हेडलाइट में मैं आपको LED दिखाना चाहूँगा जिसमें हमने अपग्रेड किया है। तो गाइस, दिस इज द आउजूम 150 वॉट्स LED विच वी हैव इंस्टॉल्ड, वेरी पावरफुल LED। अब कंपनी रेटेड LED से कम 10 टाइम्स ज़्यादा पावर देगा।
एंड मैं आपको इसमें ऑटो फोल्डिंग मिरर भी इसमें इंस्टॉल किया है, आप मॉडलर भी इंस्टॉल किया है। अब आते हैं ऑडियो आउटपुट में, इसका मैं आपको ऑडियो आउटपुट सुना देता हूँ। लेट्स कम डाउन, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। दीज आर द रिलेज विच वी इंस्टॉल फॉर द अप मॉडलर एंड एज वेल एज ऑटो फोल्डिंग मिरर। सारा काम जैक टू जैक आप देख सकते हो, कोई वायरिंग कटती है, सारा जैक टू जैक, कहीं कोई वायरिंग हमने नहीं काटा। ये रहा, वन इज विद दिस जैक, वन इज विद दिस जैक। इसमें हम डोरपैड इंस्टॉल करेंगे और मैं आपको इसका ऑडियो आउटपुट सुनाता हूँ। जस्ट लिसन टू दिस एंड देन यू डिसाइड का ऑडियो कैसा लगा इसमें। सो गाइज, इसमें हमने सारा सेटअप कर लिया है। ये रहा सिस्टम ब्लॉपॉन का जिसमें हमने इंस्टॉल किया है। दिस इज द ट्विटर विच वी हैव इंस्टॉल्ड ऑफ ऑडिसन। मैं आपको इसमें अब ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिखाऊँ। ब्लूटूथ के लिए आपको यहाँ ब्लूटूथ में जाना है, बीटी फोन कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, मैनेज डिवाइसेस आप देख सकते हैं इसमें। सो गाइस, इसमें कितना सीमलेसली एप्पल वायरलेसली एप्पल काबले कनेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको इसका ऑडियो आउटपुट सुनाता हूँ। ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज मैं आपको इसमें एनसीएस का ऑडियो आउटपुट सुनाऊंगा। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. सो गाइस, दिस वाज द ऑडियो आउटपुट एंड मैं कस्टमर के सामने आपको फीडबैक लेके दिखाना चाहता हूँ। सर ने पहली बार अभी साउंड सुना, सर आपको साउंड कैसा लगा? साउंड तो बहुत बेटर लगा मुझे, और मैं तो कहना चाहूँगा कि ऑडिशन का ऑडियो सेटअप जो मुझे इन्होंने सजेस्ट किया था उससे मैं बहुत हैप्पी हूँ। एंड व्हाट अबाउट क्वालिटी क्लैरिटी सर्विस? सर्विस क्वालिटी और क्लैरिटी भी मुझे बहुत पसंद आया। मैं अब यहाँ तो 12 बजे तक आया था और जितना मेरा काम था मुझे बहुत ज़्यादा देर और लगने वाला था, बट टाइम पर ही मेरा वो कर दिए हैं सारा चीज़। गाइस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सर मेरे पास बहुत दूर धनबाद से काम कराने आया, अप्रॉक्सीमेट 300 किलोमीटर ड्राइव करके आए हैं फॉर द वर्क। 300-600 किलोमीटर उनको ड्राइव करना पड़ेगा। इस गाड़ी में हम लोग डोरपैड इंस्टॉल करने वाले थे, बट उनको कस्टमाइज डोरपैड हम लोग जो इंस्टॉल करते हैं उनको थोड़ा बेटर फिनिशिंग चाहिए था। सो फॉर बेटर फिनिशिंग ही इंसिस्टेड कि हम लोगों ने उनको इंसिस्ट किया, देन ही डिसाइडेड इसमें हम टॉप मॉडल का डोरपैड इंस्टॉल करेंगे जिसमें पियानो ब्लैक फिनिश आता है। एंड टॉप मॉडल का डोरपैड में सॉफ्ट टच जो रहता है उनको वैसा फिनिशिंग चाहिए था। हम लोग उनको वैसा प्रॉपर फिनिशिंग एज कम्पेयर टू टॉप मॉडल में जो लग के आता है वो हम लोग इसमें प्रोडक्ट में नहीं दे पा रहे थे। सो कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि उनको वैसा प्रॉपर फिनिशिंग चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो इनका बनेगा, वो एक छोटा सा वीडियो बनेगा सिर्फ जिसमें हम लोग इसमें डोरपैड इंस्टॉल करेंगे। उसका वीडियो भी 1-1.5 महीने बाद आएगा जब कस्टमर हमारे पास कराने आएंगे काम। सो गाइस, दिस इज द एंटायर सेटअप विच वी हैव डन। उनको बेटर ऑडियो आउटपुट के लिए हम लोगों ने इसमें डैम्पिंग भी सजेस्ट किया, एम्पलीफायर भी सजेस्ट किया है, वो भी नेक्स्ट स्टेज में होने वाला है। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड, वो नेक्स्ट वीडियो हमारा वापस आएगा फॉर द डोरपैड्स एंड फॉर द एम्पलीफायर के लिए। एंड गाइज, दिस इज द एंटायर थिंग विच वी हैव डन। वी ट्राई टू सेटिस्फाई आवर कस्टमर्स और हम लोगों ने सारा काम बाकी किया है, बी इट स्टेयरिंग नॉब, बी इट टॉप मॉडल का स्टेयरिंग। यहाँ पर सारा स्विचेस वर्क करेगा प्रॉपर तरीके से, क्रूज कंट्रोल विल नॉट वर्क। ये रहा टॉप मॉडल का सॉफ्टवेयर जिसपे हमने इंस्टॉल किया है एसी वेंट्स के साथ, इसका ग्लॉस ब्लैक के साथ विद दिस गियर नॉब। ये सारा काम हमने इसमें किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल शेयर अबाउट मोबाइल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।